क्या आप अपने वर्कप्लेस पे एक स्टार परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को और आने वाली इसकी सीरीज की सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। अगर आप एक प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, एक जॉब में काम कर रहे हैं करके, तो ये जो सारी सेट ऑफ सीरीज है वो आपको आपकी जॉब के अंदर, एक अपने वर्कप्लेस पे अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने में आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर मैं मंत्रा नंबर 1 की बात करूं, तो सबसे पहले जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं करके, किसी भी प्रोफाइल को जॉब करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी जॉब का जो है जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से समझें कि आपकी जो कंपनी है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। बिकॉज दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो है 8 घंटे उनको काम करना है, एंड सेकेंड तरीके के वो परफॉर्मेंस होते हैं जो कि स्टार परफॉर्मर कहलाते हैं, जिनका बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि किस तरीके से मैं उन 8 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो मेरी कंपनी को, जो मेरी मैनेजमेंट को मुझसे एक्सपेक्टेशन है वो पूरा कर सकूं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ज्वाइन करने के टाइम जो है आपको ये समझना है कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रोल्स आपसे एक्सपेक्ट करती है। बिकॉज अगर आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी होगी कि क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप अपना रोल बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। कई बार क्या होता है, जनरल चीजें हमें पता होती हैं कि हमें ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है। अगर वो एक्सपेक्टेशन जो है आपके बिजनेस में, आपकी जो कंपनी है, मैनेजमेंट है, उसके लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आपका होना उसके अंदर हेल्प कर पाएगा, तो डेफिनेटली आप अपने करियर के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।